मुंह में दिखाना चाहता ये उड़न खटोला यंत्र बालवीर को जल्द से जल्द। अब थामा पावती भाड़ा लाइए। अरे 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 लाइए। क्या करते तू? कहा आपने फाड़ो इसे, तो मैंने फाड़ दिया। मुझे लगा ही था तू सीधा बच्चा नहीं है। जब तेरे बात करने का स्टाइल उल्टा है तो तू सीधा कैसे हो सकता है? वो मैं बिल्कुल सीधा साधा इस खंबे की तरह। ये खंबा तेरे को दिखाई दे रहा है? हाँ। ये नो पार्किंग लिखा दिखाई देने दे रहा है? है क्या मतलब इसका? मतलब ही तो समझाने आया हूँ। ये तुम्हारा स्कूटर है ना, ये नो पार्किंग में खड़ा है और ये कानून के खिलाफ है। इसके लिए तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। देखिए महाशय, हो रही आपकी कोई गलती है नहीं, ये मेरा वाहन। वाहन? हाँ। उल्टा बोलने वाले बालक, ये हेलमेट तो तुम्हारा ही है ना? है? जब ये हेलमेट तुम्हारा है तो कोई बाइक या स्कूटर भी तुम्हारा ही होगा ना? लेकिन तेरी उम्र तो 18 की नहीं लगती, तो गाड़ी कैसे चला सकता है? लाइसेंस, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस है ये किस चिड़िया का नाम? ये उस चिड़िया का नाम है जिसके ना होने से मैं पकड़ लेता हूँ और उसके बाद पैसे भरने पड़ते हैं। देखिए महाशय, है नहीं वो चिड़िया मेरे पास और ना ही है मेरे पास पैसे। ये हेलमेट तो तेरा है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं है मेरा उड़न खटोला यंत्र, नहीं दूंगा मैं आपको। नहीं दूंगा मैं यंत्र। अरे रुक, अरे रुक। अरे। अगर ढूंढना मुझे बालवीर को तो दिखना होगा मुझे हूबहू डूबा डूबा एक जैसा। है कसम मुझे 10 लाख थप्पड़ों की, अब नहीं खाऊंगा और थप्पड़। क्या बे, अगर तू कपड़े बदल के आएगा तो तुझे नहीं पहचानूंगा मैं। ऐ, है कौन तू बदतमीज इंसान? अभी मूंगफली का जैसा तेरा साइज है और तू गाली देता है मुझे। अयो पानी, उधर बैठ के क्या करता है ये बच्चा? ये अपना शिकार क्या ना, यही शिकार। ओके, इसका डिटेल बोलो। इसके बाप का गोल्ड ज्वेलरी शोरूम है। या गोल्ड पे इतना किस तरह देता है? पीतल का ज्वेलरी होता क्या? गोल्ड का ही होता। मुर्गा आया। क्या रे, तुमको बैलेंस नहीं बनाने का होता क्या? ऐसा काम करता है? बच्चा किधर गया? अयो बेबी, अयो इधर आना, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसे तुम? बेटा हमको तुम्हारा थोड़ा हेल्प चाहिए। ये एड्रेस बेटे, ये एड्रेस थोड़ा देख के बता देगा, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, समझते नहीं, किधर है देखो जरा, थोड़ा मालूम तुमको? अरे मुझे भैया ही जाना है। आप मुझे छोड़ दोगे? अरे वेरी गुड, वेरी गुड पानी, आज जरूर छोड़ देगा। बैठो गाड़ी में, बैठो, आ जाओ आ जाओ, हमारा भी एड्रेस हो जाएगा, आ जाओ बैठो। बहुत अच्छा हो गया पानी, हमारा शिकार खुद चलकर हमारा गाड़ी में आके बैठ गया। अन्ना वन मिनट। हाँ बोला बोला बोला। ये लड़का को हम बिना डराए धमकाए ऐसे उठा के लेके जाएगा तो उसका बाप को जब हम फोन करेगा तो उसको क्या बताएगा कि उसका लड़का ऐसे खुद ब खुद हमारे साथ बैठ के आ गया? इम्प्रेशन कैसे बनेगा? आई गॉट योर पॉइंट। अब ये काम करो, ये लड़का को गाड़ी के बाहर निकालो, उठा के जबरदस्ती बैठाओ, फिर इसका बाप से पैसा वसूलेगा। जाओ 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 जल्दी करो। अन्ना करो, यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। ये ओ प्लान काम पार के उधर जा, उधर जा, जा जा। ऐसा है? अरे क्या कर रहे, बैठो चुपचाप इधर, इधर कर, अरे बैठो चुपचाप, आइए चलो अभी तो पकड़ के रखो। बचाओ बचाओ बचाओ।
किधर भागता भाई? तो यार एकाए को रोका अन्ना, हेलमेट है। हेलमेट किसको अन्ना? पहले ट्रैफिक रूल से। ओ ट्रैफिक रूल से, ओके ओके। ए बच्चा देख उधर हेलमेट है क्या? थैंक यू। चप्पे हेलो भाई। ए चुप रहे ना। चप्पे बचाओ। अयो अयो, ये कौन रे? बालवीर। हाँ? ये बच्चा बालवीर? देखो इसको भी मैं खाई सा मजा चखाता है। सुनी होगी, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। हम भी बहुत इंटेलिजेंट है ना। अब भी देखो तुमको कैसा मजा चखा था। हमारे पास भी बहुत दिमाग है रे। अयो पन्नी, अभी देखो ये बालवीर को मैं कैसा मजा चखा था। अजीब इंसान ने मुझे पड़ गया था मेरे मस्तक कवच वुडन खटोला यंत्र के पीछे न जाने क्यों। नहीं नहीं, रखना होगा मुझे खास ख्याल इसका पृथ्वी लोक पे। दिखा कर मुझे ये रहा किया तूने मुझ पर उपकार। अब है नहीं कोई चिंता मुझे, है मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र पूरी तरह सुरक्षित। ये!
भयानक आवाज जब पहुंचेगी इसकी गूंज उस भयानक लोक के परी भयंकर के पास, तब पता चलेगा परी भयंकर आपको कि है क्या कर सकता ये कमाल तोबा तोबा। जब फटेगा ये विस्फोटक मानव और मेहर के घर में, फिर आएगा बालवीर उन्हें बचाने, फिर जाएगा ये श्री श्री तोबा तोबा जी, दिखाएगा अपने हाथ की सफाई और चुरा लेगा बालवीर का जादुई दंड। वाह वाह वाह, क्या कमाल का दिमाग पाया आपने श्री श्री तोबा तोबा जी, वाह। अरे अरे खाक, वाह, रखूंगा कैसे ये विस्फोटक मानव और मेहर के घर में, सोचा कैसे नहीं मैंने कोई तरीका, खा गया यहीं पर मेरा विचार मार, क्यों क्यों तोबा तोबा क्यों। जल गई ये बत्ती मेरे दिमाग की, सूझ रही है युक्ति मुझे कमाल की। अब है नहीं ये उपहार, है ये विस्फोटक दमदार। बूम बूम धड़ाम दूम, बूम बूम धड़ाम दूम। अरे है क्या कोई घर में, अरे है क्या कोई घर में, है क्या कोई घर में। कौन है? डाकिया, डाकिया डाक लाया, लाया 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 डाकिया डाक लाया, लाया लाया डाकिया डाकिया। डाकू, आप डाकू, मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर? नहीं 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 नहीं, बालवीर को मत बुलाना, डाकू नहीं हूँ मैं, डाकिया ये क्या कहते हैं उसे, वो देता है ना चिट्टिया, चिट्टिया बांटने वाला डाकिया। ओ पोस्टमैन। सॉरी अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, आप शक्ल से डाकू लगते हो तो मुझे लगा आप घर लूटने आए हो। सॉरी सॉरी, किसकी चिट्ठी है? अरे है नहीं कोई चिट्ठी। ठीक है ओके अंकल, बाय 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 बाय। अरे बेटा मेरा हाथ। सॉरी अंकल, सॉरी 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 अंकल। बेटा है नहीं कोई चिट्ठी, है ये उपहार। कौन सा हार? वो फूलों का हार या फिर सोने का हार या फिर हीरे का हार? है लगता मुझे बुझ के दिए इसके अकल के, अब कैसे समझाऊं इसे मैं कि है क्या कहते इसे। अंकल अंकल अंकल, आप क्या मुंह में बोल रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो? अरे नहीं कोई मंत्र, लाया हूँ मैं उपहार, तोहफा, तोहफा लाया हूँ मैं आपके लिए, है बेजा किसी बल्लू के चाचारे बल्लू के लिए अत्यंत प्यार से। ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं बल्लू को दे दूंगा। ये दे देना। हाँ अंकल। दे देना। दे देना हाँ बेटा। हाँ अंकल मैं दे दूंगा। ठीक है ना, दे दूंगा, दे दूंगा अंकल, बाय। बल्लू है कहाँ ये बल्लू? बल्लू गया होगा शायद अपने कमरे में, जाता हूँ वहीं।
रूपा रूपा ये क्या? तोबा तोबा, ये क्या कर रही है यहाँ? शायद चल गया होगा पता इसे मेरे मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र के बारे में। नहीं नहीं होने दूंगा तुम्हें कामयाब अपने इरादों में। तोबा तोबा, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मानव, मानव, क्या मानव भी कहीं भी छोड़ देता है। जॉयस्टिक को क्या हो गया है? गेम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई है। आइडिया, मैं ये जॉयस्टिक मानव को दे देती हूँ और उससे रेस लगाती हूँ। ये मानव के लिए और ये मेरे लिए। अब देखती हूँ बच्चू तू मुझसे कैसे जीतता है। पता नहीं कैसे चल गया पता डूबा डूबा तो मेरे साजिश के बारे में। बस पढ़ने ही वाला था खटका, पता नहीं ये कहां से आ टपका। भाग रहा था तोबा तोबा मुझसे। हाँ है मुझे पता, आया था वो चुराने मेरा उड़न खटोला यंत्र। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे तोबा तोबा। तोबा तुम, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ए? जाओ रुक, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हो जाए, हार इतनी ही पसंद है तो हो जाए। वो तो जॉयस्टिक ही तय करेगी। हंसना बंद कर और पहले मानव द चैंपियन से जीत के दिखा। मानव, अगर मैं जीती तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं जीता तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसका तो मौका ही नहीं आएगा। किलो टमाटर, ताजी टमाटर, भजिया टमाटर। अरे तेरा देवा गलत हो जाए, तेरा मुंह काला हो जाए और तुझे भगवान ऊंचाई पर उठा के जमीन पर पटक दे। बदतमीज इंसान तेरा, तू मुझे भर भर के बदुआ। रुक, आज तेरे ही टमाटर से तुझे मारता हूँ।
तेरा टीवी खो जाए, तेरा रिमोट चोरी हो जाए, तेरा मोबाइल खराब हो जाए, इतना छोटा होके इतने बड़े आदमी टकराता है, शर्म नहीं आती तुझे? महाशय, बता सकते आप मुझे है वो भागा किस तरफ? अरे बताइए मुझे, पकड़ूंगा मैं उसे और कर दूंगा आपके हवाले, फिर करना आप उसकी पिटाई जमकर। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों ले रहे हो तकलीफ, मैं ही करता हूँ उसकी पिटाई। अरे पास से पास क्यों है आप मुझे? अरे मारूंगा। है क्यों मारे आप मुझे? है वो छुपा वहाँ। वहाँ? हाँ वहाँ नहीं, यहाँ। अगर तू मुझे फिर दोबारा दिखाई दिया ना तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए, भाग यहाँ से। अरे है कर दिया मेरा बुरा हाल इस तोबा तोबा के बुरे कामों ने। क्यों क्यों दी आपने मुझे उसके जैसी शक्ल? जाते जाते कह रहा था वो उड़ा दूंगा उड़ा दूंगा, कहीं उड़ा ना ले जाए वो मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र कहीं। नहीं नहीं जाना होगा मुझे जल्दी वहां, नहीं नहीं जाना होगा। मुझे लगता है आपको भूख लगी है, आप कुछ खा लीजिए। हाँ या तो फिर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं मैंने कोई सपना देखा है और नहीं मुझे भूख लगी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पीछे वो हेलमेट वो दौड़ रहा था और मैं पूरे घर में भाग रहा था। रॉकी चाचू हमें पता है आप झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन हेलमेट उड़ कैसे सकता है? और अगर पहले उड़ रहा था तो अभी क्यों नहीं उड़ रहा है? हाँ पता नहीं, शायद इसका कोई मंत्र होगा। एक मिनट, उड़ जा सिम सिम। फिर से एक मिनट, ओम रेम क्लीम फट स्वाहा, उड़ जा। ये तो नहीं उड़ रहा। नहीं नहीं इसे मत उड़ाओ, मैं नहीं भाग सकता। ठीक है चाचू नहीं उड़ाएंगे। ये क्या? एक मिनट, हमारे पास दो जॉयस्टिक होने चाहिए, फिर तीसरा वाला जॉयस्टिक कहाँ से आया? ये दोनों जॉयस्टिक्स को हमारे वीडियो गेम क्या? एक मिनट चाचू, फर्स्ट साइड। ये तो चल रहा है। एक मिनट, ये भी चल रहा है। मेहर, ये दोनों जॉयस्टिक्स तो हमारे वीडियो गेम के ही है। हाँ मानव, मैंने तुझे ये वाला जॉयस्टिक इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है,
ओ इसीलिए मैं हार रहा था और तू जीत रही थी। लगता है तुम लोगों को दो के साथ एक जॉयस्टिक फ्री मिला है। हाँ। नहीं चाचू, ये जॉयस्टिक हमारे वीडियो गेम का नहीं है। फिर मानव, मुझे लगता है ये जॉयस्टिक उस हेलमेट का है। एक मिनट, मैं देखती हूँ। अरे महन, इसे उड़ा के तो देख। हाँ ये तो कमाल है। रुको रुको इसे रुको, मैं और नहीं भाग सकता। चाचू डोंट वरी। महन इसे लेफ्ट राइट तो करके देख। हाँ कर दूँ। रोको रोको, इसे नहीं चलाओ, इसे नहीं चलाओ, रोको प्लीज प्लीज प्लीज। अगर ये हेलमेट है तो फिर ये उड़ क्यों रहा है? इसे तो स्कूटर चलाते समय पहनते हैं ना। हाँ चाचू, आपकी बात सही है। मानव, मुझे लगता है ये सिर्फ उड़ता हुआ हेलमेट नहीं है, बल्कि इसे पहनकर हम भी उड़ सकते हैं। हाँ महर, तू सही कह रही है, शायद ऐसा ही है, वरना ये हेलमेट किस लिए होता? लेकिन ये तो जादुई हेलमेट है ना, फिर यहाँ कैसे? शायद बालवीर ने हमें गिफ्ट में भेजा होगा। चलो हम इसे पहन के देखते हैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम इसे मत पहनना, क्योंकि अगर तुमने इसे पहना और उड़ गए और वापस नहीं आए तो फिर। डोंट वरी चाचू, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ चलो उड़ते हैं। नहीं यहाँ नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ उड़ेंगे तो सीलिंग फैन पे अटक जाएंगे, इसलिए हम बाहर खुले मैदान में खेलेंगे। चलो रॉकी चाचू, चलो। अरे लगा दिया मेरे प्यारे भाई डूबा डूबा एक को ठिकाने, बस अब जाऊंगा सात सच्चों के परिवार के घर में और उड़ा दूंगा उन्हें बम के धमाके से। बम फिर आएगा बालवीर बचाने अपने चहेतों को। तब जाएगा चुपके से ये श्री श्री तोबा तोबा जी और चुरा लेगा उसका जादुई दंड और उड़ जाएगा आसमान में। फिर देखना कैसे परी भयंकर थप्पड़ मारने की बजाय थपथपाएगी मेरी पीठ। हुआ कैसे ये चमत्कार? पहुंच कैसे गया मैं इतने ऊपर? अरे गिरूंगा सीधे जमीन के ऊपर। सही उस टमाटर वाले की बद्दुआ तो हो नहीं रही सच। कहा था उसने कि भगवान मुझे उठा के नीचे जमीन पर पटक देगा। अरे नहीं होगी उस टमाटर वाले की बद्दुआ सच, क्योंकि गिरूंगा मैं सीधे जाके उस रुई की नरम नरम बोरियों के ऊपर। उस
तबाह करवाने का लग गई बद्दुआ। चल माना टॉस करे, पहले कौन जाएगा? नहीं नहीं लेडीज फर्स्ट, और तू भी क्या याद रखेगी? अच्छा बच्चू डर लग रहा है ना, इसलिए लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं मुझे कोई डरवर नहीं लगता, और वैसे भी मैं तो जॉयस्टिक ऑपरेट करने में एक्सपर्ट हूँ। तू तो जॉयस्टिक ऑपरेट करने में एक्सपर्ट है ना, लेकिन उड़ने में कहाँ है? देख मैं मुझे चैलेंज मत कर। ठीक है ला, अरे मैं ही जाता हूँ। नहीं नहीं किस फ्लाइंग हेलमेट को पहले मैं ही टेस्ट करूंगी। ऑल द बेस्ट मेहर। मेहर मेहर प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। चाचू डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, और ये जॉयस्टिक भी तो है। मेरे लिए वो हनुमान चालीसा बोलना प्लीज, क्योंकि हनुमान जी तो सबसे बड़े सुपर हीरो थे और वो तो उड़ने में नंबर वन थे, इसलिए आप प्रार्थना करना प्लीज। अन्ना बालवीर हमको क्या तोड़ा, क्या फोड़ा, एकदम कमाल का मारा। अयो फनी, ये बालवीर हमको मुंबई में किडनैपिंग का धंधा करने नहीं देगा। अम्मा अम्मा किधर और जाके ट्राई करना पड़ेगा। अन्ना अरे बाहर किधर जाएगा? अमृतसर जाता है। अमृतसर? अन्ना लेकिन उधर जाके बच्चे लोग को कैसे किडनैप करेगा? हमारे दोनों हाथ पाव प्लास्टर में अन्ना। दिक्कत इधर आओ, दिक्कत इधर आओ। अरे संभाल के अन्ना। पन्नी
देखो जैसा ये पत्थर मैं उठाया ऐसा समझो कि ये बच्चा ऐसा किडनैपिंग करना अच्छा। ये अपना हाथ में लो पकड़ो भारी ऐसा किडनैपिंग करना बच्चा उठाना ना, तुम ग्रेट है हमको भी जम गया हम ऐसा बच्चा उठाया और ऐसा बच्चा रख दिया वाह कितना मजा आ रहा है वाह वाह कितनी छोटी दिख रही है दुनिया हेलो डोंट वरी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा ये क्या अजूबा है भाई देखो तो अब उड़ने लगे हैं इंसान के बच्चे भी लेकिन लैंड इनके लिए और स्काई हमारे लिए हाँ लेकिन इन इंसानों को हर जगह रॉन्ग एंट्री करने की आदत है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों चूचू करके क्या बात कर रहे हो लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ओके बाय अब मैं कल मिलूंगा मुझे मजा आया मजा आया तुम लोगों को देख के मुझे बहुत मजा आया चलो घर वालों को भी ये बात बताते हैं हाँ। नहीं इस हेलमेट के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्यों माना तेरे ये मतलब है कि हम सबको झूठ बोलेंगे मेहर मैं झूठ बोलने को थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस हेलमेट के बारे में हम अपना मुंह बंद रखेंगे लेकिन ऐसा क्यों क्योंकि मेहर अगर हम ये बात मम्मी पापा को बताएंगे तो मम्मी पापा ये हेलमेट हमसे ले लेंगे क्योंकि हमारा नहीं है ना और मैंने जो तुमसे वादा किया था वो भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा वादा कौन सा वादा मेहर मैंने किया था ना वादा कि एक दिन मैं वीडियो गेम में नहीं असल में मोंटू को पटक दूंगा उसे हरा दूंगा और अगर ये हेलमेट मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूँ हाँ ये बात तो है तो फिर खाओ कसम मेरे हाथ पे रखे हाथ कि नहीं छोड़ेंगे इस हेलमेट का साथ कसम खाते हैं इस हेलमेट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे गुड अब देखता हूँ इस मोंटू को कौन बचाता है लेकिन मानव इसके बारे में हम बल्लू को नहीं बताएंगे अरे हाँ पर अब तो कसम खाई है ना तोड़ नहीं सकते मुझे तो अभी से पेट में दर्द होने लगा मैं इस हेलमेट की बात कैसे छुपाऊंगी मेहर हम इस हेलमेट को छुपा के रखेंगे फिर हमारी बात अपने आप छुप के रहेगी और कोई पूछेगा भी नहीं तो झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब हम सबसे पहले इस हेलमेट को कोई सेफ जगह पे छुपा देते हैं हाँ चलो 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 छोटी रूपा रूपा एक से पर है ये बड़ा भयानक दर्द दूंगा तुम्हें उतना ही दर्द रूपा रूपा एक वक्त आने पर ये होगा तभी जब मैं चुरा पाऊंगा बालवीर का जादुई दंड और चुरा पाऊंगा मैं बालवीर का जादुई दंड तभी जब होगा ये धमाका
कुछ हो गया क्या? मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र रखा था मैंने इसमें, फिर ले गया कौन इसे? मिल गया, मिल गया मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र। बस होगा अब धमाका, कुछ ही पल में फिर आएगा बालवीर बचाने अपने चहीतों को। दस पाँच, ये कैसे टिक-टिक? नहीं नहीं, ये मेरा उड़न खटोला यंत्र। टिक-टिक चार, छुपा है वहां, तोपा तोपा क्यों? ये उसकी जरूर कोई साजिश है। अच्छा अभी बताता हूँ तुझे, तो बात होगा। एक एक तीन, एक एक दो, एक एक बुरी नजर वालों का मुंह काला और तुम्हारे ही धमाके ने तुम्हें धो डाला। पर था उस बक्से में विस्फोटक, तू गया कहां मेरा उड़न खटोला यंत्र? बेटा थोड़ा पानी देना। मानव, दाल में कुछ काला है। अच्छा दादाजी, मैं अभी फेंक कर आता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुमसे पानी मांगा था और ये मेहर का भी ध्यान नहीं है। क्या चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच में? कब से देख रहा हूँ इशारों में बात कर रहे हो दोनों। क्या बाबूजी, आप भी तो कहते हैं ना कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए अब हम लोग खाते समय इशारों में बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि इशारों में क्यों बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि खाते वक्त खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो देखो बल्लू को कैसा चुपचाप खाना खा रहा है, और मुझे मालूम है आज दिन भर क्या खेल खेला है तुमने। बाप रे, दादाजी को कैसे पता चल गया? अरे वाह, हमारे बिना बताए पिताजी को पता चल गया, मजा आएगा। क्या किया बापूजी? दिन भर वीडियो गेम खेल रहे थे। गलत जवाब बाबूजी, गलत जवाब। गलत? चाचू, हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए चुप रहिए। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो बाबूजी को गेस करने में हेल्प कर रहा हूँ। चाचू, मुझे रोटी दीजिए। बापूजी, ये लोग तो पूरा दिन फ्लाई कर रहे थे। पकड़े गए मेहरमान। फ्लाई कहाँ? न्यूज़पेपर के एरोप्लेन से पूरा घर बिखरा पड़ा था, वही फ्लाई कर रहे थे पूरा दिन। फिर से गलत जवाब, फिर से गलत जवाब। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं
मुझे पता है रॉकी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग घर पे थे ही नहीं, बाहर गए थे। महर, अब तुम पक्का पकड़े गए। चाचू, मुझे पता है, मानव के फ्रेंड मोहित के यहाँ गए थे वीडियो गेम खेलने के लिए। अफसोस, गलत जवाब। रॉकी, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुपचाप खाना खाएंगे। चलो। नदी के पास जा रहे हो? अरे अरे छोटे काला पत्थर ले आना, उधर उधर कर। भाई से, अरे डुबा डुबा थोड़ा दाएं दाएं दाएं। हे, ये कैसा अद्भुत दृश्य है, उड़ रहे सब है, लग रहे सब खुश और सब व्यस्त, बस हूँ मैं ही अकेला अभागा। डुबा डुबा तीन, डुबा डुबा चार, डुबा डुबा चार, आओ नीचे, डुबा डुबा चार नीचे आओ। अरे क्या डुबा डुबा चार बोल रहे हो या फिर सीटी बजा रहे हो? बोलो। फूकते फूकते सीटी निकल गई मेरी हवा, अब तो खानी पड़ेगी मुझे दवा। लेकिन किंतु परंतु है क्यों बजाने सीटी? क्योंकि है ये आदेश नटखट परी का, बढ़ गई है गिनती मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र की, इसलिए बजानी होगी ताकि करे सभी नियमों का पालन और रखे गति और दिशा पर नियंत्रण और दिए सभी को उड़ने का लगाम मेरे मुंह में। सीटी न बजी, नजर हटी और दुर्घटना। अब डांटेंगे नटखट परी मुझे, गए हम और गए मस्तक को चुड़न खटोले इनके। लेकिन क्यों नहीं मिल सकते नए उड़न खटोले यंत्र भी नहीं? है ये आदेश नटखट परी का। लेकिन है क्या आदेश नटखट परी का? चलो चलो। हाँ, ये देखो, ये देखो, हर एक डुबा डुबा को मिलेगा सिर्फ एक ही यंत्र। एक ही? जिसे मिलेगा उड़न खटोला यंत्र उसे मिलेगा ये। क्या, ठेंगा? अरे ठेंगा नहीं, ये हाथ के बना हुआ निशान। दूंगा क्या जवाब नटखट परी को? हो गया घूम मेरा यंत्र धरती पे, नटखट परी नहीं करेगी माफ मेरी लापरवाही को। धरती पे मिली अगर ये उड़ने की ताकत किसी को, तबाही तबाही मचेगी, तकलीफ दे सकता है वो सबको। अरे डुबा डुबा एक, क्या आप चलेंगे मेरे साथ सहायता करने के लिए ऊपर? और है कहाँ आपका मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र? हो गया गुम। क्या मतलब हो गया हूँ गुम मैं ये दृश्य देखकर? हे उज्जवल मेरे भाइयों का भविष्य, हाँ बस ऐसे ही काम करते रहना जमकर। अब तुम जाओ जाओ। अब तो ढूंढना ही होगा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र किसी भी हालत में, वरना नहीं रहूंगा लायक किसी को मैं मुंह दिखाने के। भयंकर, करीब भयंकर।
आ गए अपना मुंह काला करके। पता चला कि एक साजिश को पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरा काम करना इतना आसान नहीं है। तो है पता आपको कि करती है आप बुरे काम और भरने पड़ते हैं इस गरीब को दाम। हुआ क्या है इस गरीब के खूबसूरत चेहरे का हाल? एक काम ठीक से नहीं कर पाते तुम। मैंने कहा था बालवीर का दंड लिए बिना अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। जो काम आप अब तक कर नहीं पाई, कैसे सोच लिया आपने वो करूंगा मैं अपने आप? नहीं नहीं ना बड़ी भयंकर थप्पड़ नहीं है, है मेरा मुंह काला हो जाएंगे आपके भी हाथ काले। अब तुम्हारा ये काला मुंह तब तक काला रहेगा जब तक तुम बालवीर का दंड नहीं ले आते। मैं नहीं समझ में आ रहा मुझे आपका खेल। ये तुम्हारी समझ के बाहर है, मेरा शिल्प अभी अधूरा है, बस पूरा होने ही वाला है। है लगता मुझे है पोछा सदमा आपकी दिमाग को कर रहा है वो अजीब सी बातें। हो रही हो अब आप पागल? तावा तावा नहीं, दस लाख एक, दस लाख दो, दस लाख तीन, दस लाख चार, चाहिए तो मारता और ये लीजिए, पर आप मत मारिए, हो जाएंगे आपके हाथ काले। बस ये इतना बता दीजिए मुझे, कहा बालवीर कर दीजिए मेरी मदद परी भयंकर। ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी वहां जहां बालवीर आ सकता है, लेकिन इस बार अपने काम से मत चूकना, वरना अपना ये काला चेहरा लेकर यहाँ आने की सोचना भी मत, समझे? ना, नाइस गेटअप है। थैंक यू। कोई नहीं पहचानेगा। भाजी। अच्छा हुआ पहचान नहीं, बच गए। बच गए ना। ओ वेलकम जी, वेलकम, सत श्री अकाल बादशाह। अयो सरदार जी, कान के लिए पराठा और सांभर मिलेगा क्या? पराठा सांभर? तुसी लगदे पंजाबी हो और बोलते साउथ इंडियन हो। अयो सरदार जी, बात कुछ ऐसा कि जब मैं छोटा था, जब फायदा हो गया तो चेन्नई में पैदा हो गया, तो उधर ही पला पड़ा, तो खाना पीना भी उधर का और लैंग्वेज भी उधर का हो गया। वही मैं कहूं जी, पंजाबी कैसे साउथ इंडियन हो सकता है? बैठो माल को बैठो। तो पम्मी, ओ भाई साहब नु फर्स्ट क्लास पराठा दे सांभर भेज, है ना? भेज। अन्ना, ग्रेट आइडिया, कैसा उल्लू बनाया सरदार को? अयो पानी, कैसा बात करता? अरे हम तो गेटअप करने में इतना एक्सपर्ट कि पुलिस भी हमको आज तक पकड़ने नहीं सका। मर गया, मार दूंगा सबको, मार दूंगा। सन्नी वो की कर रहे है यार, वो बंदूक दिखा के तू तो राग बगाएगा सारे, वो बंद कर गोलियां, चल निकल लेता हूँ। वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी, बच्चा ही है जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये फानी, वो बच्चा तुम देखा? ये सरदार जी का बच्चा अपना परफेक्ट शिकार। अन्ना, हाँ? केयरफुल है, बच्चा बहुत डेंजर है। ये फानी, तुमको याद नहीं क्या गब्बर सिंह क्या कहकर गया? कि जो डर गया वो मर गया। अभी चलो हमारे साथ, चलो आ, मैं देखता तुम कैसा नहीं आता। चलो चलो स्टूपिड रास्कल, चलो चलो। अयो मुंह बंद करना है। ए बच्चा चुपचाप बैठो, हम तुम्हारा किडनैप किया रे। अम्मा, अयो मुर्गा काटा हम के हस्ता गाय को, हस्ता गाय को, क्योंकि मेरा दोस्त अब तुम्हारी धुलाई करेगा। अयो किसको बुलाएगा रे तू? बालवीर।
आप बालवीर बचाओ 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 बालवीर बचाओ। मानू मेहर तुम दोनों चलो मैं आता हूँ। ठीक है मेहर, बल्लू को उस हेलमेट के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, कसम याद रखना। याद है, चल। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर? नटखट परी, एक बच्चा संकट में है और मुझे उसकी सहायता के लिए जाना होगा। कृपा करके आज मेरी जगह आप बल्लू बनकर स्कूल चले जाइए। स्कूल? क्या? नहीं नहीं बालवीर, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे तो स्कूल के नाम से भी डर लगता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे स्कूल चली गई और वहां पर तुम्हारे किसी शिक्षक ने मुझसे कोई सवाल किया और मैंने उसका गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा? वो तो मुझे दंड दे देंगे और बाकी शैतान बच्चों की तरह मुझे मुर्गा बनाकर खड़ा रखेंगे। क्या करे? हाँ नटखट परी, अगर बल्लू बीमार पड़ जाए तो उसे स्कूल ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई, मतलब मैं बल्लू बनके बीमार पड़ जाती हूँ फिर तो मुझे स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है बालवीर। लो, बन गए बल्लू और मेरा शरीर भी गर्म है। धन्यवाद नटखट परी, ऑल द बेस्ट। बालवीर कामयाब हो के आना। बल्लू बल्लू बल्लू, अरे बल्लू तू सो क्यों रहा है? बल्लू तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ मानव, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी बल्लू को बहुत तेज बुखार है। बल्लू इसका तो बदन बहुत गर्म है, वाकई में इसे बहुत तेज बुखार है। माना मैं, तुम लोग बेटा स्कूल जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करके बुला लूंगी। बल्लू आप बेटा फिक्र मत कर, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुला लेती हूँ। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर से जाता है, लेकिन ये पेड़ अपनी जगह से काहे को पीछे नहीं जाता है?